पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 2 जगह पर वेरी हैवी और 11 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो वर्षा है वो बोध के बोधगढ़ में 145 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर पारलेखा मंडी का 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर का 32.7 और कटक का 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीजनल रेनफॉल की बात करें तो 1 जून से लेकर अभी 6 अगस्त तक 560.3 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। अभी भी जो डिपार्टमेंट है सामान्य से 11% नीचे चल रहा है। सीनियर वेदर सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ जो कि एक लो प्रेशर एरिया सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बनाया वहाँ उसके सेंटर से सीकर ग्वालियर चर पुरुलिया कोंटाई से होता हुआ साउथ ईस्ट और जाता हुआ ईस्ट सेंट्रल वेव तक की तरफ जा रहा है। दूसरा जो सिस्टम है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि गंगेटिक वेस्ट बंगाल और जानी बांग्लादेश के ऊपर बिटवीन 1.5 से लेकर 7.6 किलोमीटर के बीच में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यह सिस्टम जो हाइट के साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है। इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से डे वन में और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाइडस्प्रेड रहने की संभावना है, ज़्यादातर स्थानों पर मध्य वर्षा होने की संभावना है। इसका डे टू 7 और 8 तारीख को वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फिर 8-9 तारीख को जो हमारे साउथ नॉर्थ उड़ीसा है वहाँ फेल भी वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और जो स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारे साउथ उड़ीसा में। और 10-11 तारीख को पूरे उड़ीसा में अनेक स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी बार डे वन में जो वार्निंग दी गई है आज इसमें हैवी रेनफॉल हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। वहाँ पे मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर में येलो वार्निंग दी गई है। बाकी आइसोलेट प्लेस जो है जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो सकती है उसमें रायगढ़ कलांडी बोलांगीर मुंगपाड़ा बरगढ़ सोनपुर बोध संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल नयागढ़ ढेंकना कटक खुर्दा पुरी जयसिंहपुर केंद्रपाड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की संभावना की वजह से। और इन्हीं येलो रीजन पे थंडरस्टॉर्म भी लाइटने के लिए भी वार्निंग दी गई है। डे टू यानी 7 तारीख को जो सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ नवरंगपुर कोरापुट मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी गई है। डे थ्री यानी 8 तारीख को मयूरभंज क्योंझर देवगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।